नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। तो आइए आज आपको दिखाते हैं गुग्गा महाराज जी, झारपीर जी का श्रृंगार। ये लोग कैसे करते हैं हमारे भाई साहब मंडली वाले, जो गुग्गा जी की पूरी पार्टी है, गुग्गा जी के गाथा गाते हैं। और अभी ये गुग्गा जी का छड़ी का श्रृंगार कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यार से छड़ी का श्रृंगार कर रहे हैं। और रक्षाबंधन से ये दिन शुरू हो जाता है। गुग्गा जी को बाहर एक साल के बाद बाहर निकाला जाता है, उसके बाद इनको नहलाया जाता है और इनको अच्छे तरीके से इनका श्रृंगार किया जाता है। और फिर गुग्गा जी चल पड़ते हैं अपनी यात्रा पर। 10 दिन यात्रा करेंगे, लोगों के घर घर जाकर अपने भजन कीर्तन गाएंगे, सुनाएंगे और गुग्गा जी के दर्शन करवाएंगे सारे मंडली वाले भाई साहब जी। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये गाथा सुनाते हैं। वीडियो में आगे हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, इनके भजन कीर्तन और गुग्गा जी के साथ घर घर जाकर सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। गुग्गा जी जो भी मनोकामना किसी की पूरी हो वो गुग्गा जी को चांदी के छत्तर चढ़ाते हैं, जो भी श्रद्धा हो और देते हैं। हमारे गुग्गा महाराज जी, झारपीर जी, जो भी लोग अपनी श्रद्धा से कुछ मांगे गुग्गा जी पूर्ण रूप से, अब इनको हार पहनाया जा रहा है। देखिए कितने अच्छे तरीके से, कितने प्यार से इनका श्रृंगार हो रहा है। जय गुग्गा झारपीर, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जो भी भगत गुग्गा जी को दर्शन कर रहे हैं सभी इनकी मनोकामना पूर्ण करे गुग्गा महाराज। अगला भजन शुरू हो चुका है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। गुग्गा जी आरपी सच्चे बादशाह।